हरे कृष्णा, आज का रीडिंग है पिक अ कार्ड वीकली 14 से 20 अक्टूबर। मैंने यहाँ पे चार डेक रखे हैं, अब ध्यान से देखिए। पहला है फर्स्ट आइसक्रीम का कोन, सेकंड आइसक्रीम कोन, थर्ड आइसक्रीम कोन और फोर है ये आइसक्रीम का कप। वापस से देख लीजिए, मैं काउंटडाउन डाल दूंगा ताकि आपको सोचने का और मौका मिले और टाइम मिले। यह है फोर्थ आइसक्रीम कप, यह है थर्ड कोन, यह है सेकंड कोन और यह है फर्स्ट कोन। तो अब देखते हैं पहला कोन, पहला डेक। यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी मैंने मिक्स किए हैं। पहला कार्ड है आपको द वर्ल्ड। तो एक कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, जिसको भी आपने स्टार्ट किया है पिछले वीक से, यहाँ पे आप उसको लेके आएंगे और ऑलमोस्ट उस कार्य को फिनिश कर सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटेकल्स, तो आई थिंक कोई चॉइस आपको चूज़ करनी होगी और उस चॉइस के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। सेवन ऑफ वांड्स, फिर से एक बार सेवन, तो एंजेलिक नंबर है ये, तो आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सेवन ऑफ कप से रिवर्स आ गया, तो इसका मतलब है बोर्डम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और फाइनल टैरो कार्ड है आपके लिए नाइन ऑफ वांड्स रिवर्स, तो आपके विश के थोड़े से अगेंस्ट आप जा सकते हैं। ऐसा काम आपको मिल सकता है जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको करना पड़ सकता है। अब देखते हैं ओरेकल डेक। एनर्जेटिक, पूरे हफ्ते भर में आप एनर्जेटिक रहेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके कार्य के ऊपर पड़ेगा और एक बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। गुड न्यूज़, तो बहुत ही अच्छी खबर आपको मिल सकती है, शायद जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, जॉब में आपकी पदोन्नति हो सकती है। अचीविंग गोल्स, तो जो गोल्स आपने सेट किए हैं उस गोल को आप फुलफिल तक ले जाएंगे और उस गोल को आप अकॉम्प्लिश कर देंगे। बिजनेस माइंड, तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, बिजनेस माइंडेड आप रहेंगे और हर डिसीजन नाप तोल के ही लेंगे। न्यू बिगिनिंग, तो इस वीक में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। अट्रैक्शन, कई चीज़ों का अट्रैक्शन आपको हो सकता है, शायद आप एक कैमरा परचेस कर ले या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप परचेस कर ले जिसकी आपको ज़रूरत हो। सो इट इंडिकेट्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जेंटल अप्रोच, तो आपका अप्रोच जो होगा आपके कलीग्स की तरफ, आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ, एम्प्लॉय की तरफ, वो बहुत ही जेंटल होगा, बहुत ही अच्छा होगा और इससे आपको काफ़ी सारा लाभ मिल सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो पूरे हफ्ते भर में आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में आप प्रयास करेंगे। फ्रेंडशिप आपके लिए इम्पोर्टेंस है और फ्रेंडशिप बहुत कुछ आपके लिए लेके आ सकती है, बस आपको वो फ्रेंडशिप निभानी है। चॉइसेस, तो बहुत सारी चॉइसेस आपको मिल सकते हैं और उन चॉइसेस के हिसाब से ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते भर में आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे लेकिन डिसीजन आपका सिर्फ एक ही हो सकता है। फॉल्स फ्रेंड्स, तो ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल सकता है और ऐसे लोगों से दूर रहना आप पसंद कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट, तो इस हफ्ते भर में एक नया स्टार्ट आप ले सकते हैं, फिर चाहे वो नया स्टार्ट आपके ऑफिस में हो या ज़िंदगी में हो या करियर में हो। सेंटर स्टेज, आपको सेंटर स्टेज मिल सकता है, मतलब आप अपने आप को सेंटर में रख के विचार करना शुरू कर सकते हैं। द एंड ऑफ ट्रबल्स, तो जो भी नेगेटिविटी आपको सता रही थी वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से चली जा रही है और इससे आपको खूब सारा आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल, तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ये आपको इस हफ्ते में पता चल सकता है, बहुत सारी अच्छी बातें आप सुन सकते हैं। ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स, तो आपका प्रभाव जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ही इजीली पढ़ सकता है। कंप्लीशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीशन की तरफ आएंगी और आप इनको कंप्लीशन की तरफ आएंगे और फुलफिल करेंगे अपनी विश। पावर, तो पावर आपको मिल सकती है, मतलब निर्णय लेने की शक्ति आपको मिल सकती है, आपको अथॉरिटी मिल सकती है।
रिच, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिच बनने की कोशिश करेंगे। दो तरह के रिचनेस होते हैं, एक होती है माइंड की रिचनेस और एक होती है पैसों की रिचनेस। वेल्थ पैसों की तरफ आपका रवैया रहेगा और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाएं इसके लिए आप कोशिश करेंगे। सोशल स्टैंडिंग, आपके सोशल स्टैंडिंग में कैसे उभार आ सकता है, हाउ कुड यू बी द नंबर वन इन सोशल स्टैंडिंग, इसके लिए आप कोशिश करेंगे। मिस्ट्री, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मिस्ट्री से रिलेटेड है उनके बारे में आप सोचेंगे, चाहे आप एक नॉवल पढ़ सकते हैं या टैरो और रेकी, इसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। फाइनल कार्ड है आपका गुड डिसीजन, तो आप जो डिसीजन लेंगे उसका एक अच्छा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, आई होप इट रेजोनेट्स विद यू, थैंक यू। अब देखते हैं दूसरा ओरेकल डेक, दूसरा डेक। पहला कार्ड है आपको दी एम्प्रेस, टैरो का कार्ड है ये। तो इसके हिसाब से आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और एक इंसान आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो एनालिसिस स्किल में माहिर हो। एट ऑफ सॉर्ड्स, तो नेगेटिविटी जो है उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स आ गया, तो आपको दिल से काम करना पसंद है लेकिन अभी आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करना शुरू करेंगे और इसका थोड़ा सा इफेक्ट आपके ग्राफ के ऊपर पड़ सकता है। टेन ऑफ कप्स, अकॉम्प्लिशमेंट का कार्ड, तो एक बेहतर शुरुआत आपकी हो सकती है और हमेशा आप अपने चहेता लोगों से घिरे रहेंगे। फाइनल कार्ड है आपका जजमेंट, तो अगेन नेगेटिविटी आपसे दूर जाएगी लेकिन जो जजमेंट होगा, जैसे कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो काम आपको मिल नहीं सकता, आपको दूसरी तरफ भेजा जा सकता है। तो ये था टैरो रीडिंग, अब देखते हैं ओरेकल डेक्स। सक्सेसफुल, आपको लाइफ में सक्सेसफुल इस हफ्ते बन सकते हैं, बस आपको ध्यान देना होगा आपकी किस्मत के ऊपर और आपके हार्डवर्क के ऊपर, आपके हार्डवर्क ही आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। विनिंग, तो विनिंग एक हैबिट होती है और ये हैबिट आपके आसपास आने की कोशिश कर रही है, बस आपको इसको सपोर्ट करना है और इसके भरोसे आगे जाना है। फैमिली ट्रेजर्स, तो फैमिली ट्रेडिशन जो है वो आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, फैमिली को क्या चाहिए क्या नहीं ये सब आप देखेंगे। स्टेबल, पूरे हफ्ते भर में आप स्टेबल रहेंगे, बिना गुस्सा किए या बिना किसी के ऊपर आग बबूला होते हुए आप अच्छे से ये वीक गुजार सकते हैं। पैशनेट फीलिंग्स, तो आपकी फीलिंग्स जो है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग योर फैमिली, वो पैशनेट हो सकती है, मानो आप खुद को किसी काम में झोंकते हो और एक ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आपकी फैमिली की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, बस आपको हाथ आगे करना है। ट्रैवल, तो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं मंदिर वगैरह ट्रैवल कर सकते हैं या ऐसी कोई छोटी जगह जहाँ आप जा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई रिश्तेदार का घर ही हो, आप छोटी मोटी ट्रैवल कर सकते हैं। अचीवमेंट्स, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपने डिसाइड किया था आपका गोल क्या हो वो आपको मिल सकता है। सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है आने वाली अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग के ऊपर। अथॉरिटेटिव, तो या तो कोई अधिकारी आपसे बात कर सकता है या तो आपको एक अथॉरिटी फिगर मिल सकती है, आप वो लीडरशिप कर सकते हैं। फीलिंग्स, तो फीलिंग्स जो है आपकी, तो वो आपके साथ कार्य करेगी और आप फीलिंग्स को लेकर कार्य करोगे, बस आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह से आपकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस फीलिंग्स का इंटरफेरेंस ना हो। कंट्रोल, तो एनवायरनमेंट जो होगा आपके ऑफिस का या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपके बिजनेस का, वो एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर रहेगा और इससे आपको काफ़ी सारी खुशी मिल सकती है। अटेम्प्ट, तो आप बहुत सारे प्रयास करेंगे किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ को पाने के लिए। ऑनर, तो नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हैं और एक ऑनर आपको मिल रहा है, आपके कलीग्स, आप जहाँ जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्प विथ हेल्थ, आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा, एस्पेशली वेंसडे और थर्सडे को और फ्राइडे को आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। आर्ट, तो आप आर्ट को पसंद कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी वगैरह देख सकते हैं। मास्टरी, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप मास्टरी कर सकते हैं, शायद आपको कोई प्रोजेक्ट दिया होगा पिछले हफ्ते, तो अकॉम्प्लिशमेंट आप कर सकते हैं। इंडल्जेंट, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप निर्णय लेना चाहेंगे और उसमें आप इंटरफेरेंस करेंगे। मनी, पैसा, तो पैसों के ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी लेकिन जो पूरी दृष्टि है आपकी वो आपके जॉब के ऊपर रहेगी कि जॉब कैसे अच्छा हो सकता है। लीप ऑफ फेथ, तो ये जैसे टैरो का फूल कार्ड है, तो आप किसी एक चीज़ के ऊपर अपनी राय देना चाहते हैं
और उस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं. यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द थिंग बट यू वॉन्ट टू डील विद इट. इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट किसी करियर के साथ हो सकती है या किसी कलीग के साथ हो सकती है. अगर किसी आपके कलीग को कोई उल्टा सीधा सीधा कहे तो उनके बीच में आप पढ़ सकते हैं. ब्रेवरी, तो पूरे हफ्ते में आपको ब्रेवरी का अंदाजा आ सकता है और ऐसे कोई काम कर सकते हैं आप जिसके कारण आपको अपने ऊपर नाज हो. और फाइनल कार्ड है आपका इमोशंस, तो इमोशंस जो है वो आपके साथ आएंगे लेकिन आपको ध्यान में देना है इमोशन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंटरफेयर ना करें. तो ये था रीडिंग आपके लिए. आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. अब देखते हैं तीसरा ओरेकल डेक. यहाँ पे मैंने थोड़े टैरो कार्ड्स भी लिए हैं, तो देखते हैं उनका मीनिंग. एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं. नाइन ऑफ कप्स, तो एक विश कार्ड है ये. आपकी बहुत सारी विशेस आपको नजर आएंगी और उनमें से कुछ विशेस पूरी भी हो सकती हैं. क्वीन ऑफ कप्स, तो एक अथॉरिटी फिगर आपको मिल सकती है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपकी इमोशंस जो है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप अपनी जी जान झोंक के उसमें काम करना पसंद कर सकते हैं. और पेज ऑफ कप्स, तो आपको बस ऑफिस में आपको बहुत सारा आराम मिल सकता है और आप एक बहुत ही आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के. तो अब देखते हैं ओरेकल डेक. फन, तो आपको इस पूरे हफ्ते फन मिल सकता है, आपके काम के जगह पे आपको फन मिल सकता है. हैप्पी फैमिली, तो आपकी फैमिली जो होगी वो हैप्पी होगी और फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होगा जो आपको सूट करेगा. ट्रिप, तो आप अपनी फैमिली के साथ किसी छोटे मोटे ट्रिप के ऊपर जा सकते हैं, आप कोई गाड़ी बुक कर सकते हैं या ट्रैवल की कंपनी से जा सकते हैं. रिवर्स, तो जैसे रिवर होती है वो रास्ता निकालते हुए जाती है, वैसे ही आप पूरे हफ्ते भर में किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल ही लेंगे, रास्ता ढूंढ ही लेंगे. डिवोशन, तो किसी एक चीज़ के बारे में आप डिवोटेड रहेंगे, फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है या फिर आपके कोई गुरु हो सकते हैं या आपका वर्क हो सकता है, आप उसमें अपने आप को झोंक देंगे. स्ट्रेंथ, तो इस स्ट्रेंथ कार्ड आ गया आपको, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे. हार्डवर्क, बहुत सारा हार्डवर्क आप इस हफ्ते कर सकते हैं जिसके कारण आपका बॉस आपको बहुत अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं. असिस्टेंस, कई तरह के असिस्टेंस आपको मिल सकती हैं आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो असिस्टेंस आपको मिल सकता है और आप खुश हो सकते हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो जो नेगेटिविटी वो आपसे काफ़ी दूर चली गई है और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वही आपको इस हफ्ते भर में मिल सकता है और आप उसके कारण हफ्ते भर खुश रह सकते हैं. एम्बिशन, तो आपकी जो एम्बिशन है उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और अपनी एम्बिशन को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपकी एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे. फियर, तो कोई डर आपको सता सकता है, ये डर शायद पास का हो सकता है विद इन 5-6 मंथ्स का, बस आपको इस डर के ऊपर काबू करना सीखना होगा. विक्ट्री, अगर आप इस डर के ऊपर काबू करना सीख गए तो विक्ट्री आपकी है, आपको ही इसका प्रमाण मिल सकता है. रिमेनिंग स्ट्रांग, तो सेकेंड टाइम कार्ड आ गया, आपको पूरे हफ्ते भर में स्ट्रांग बन के रहना है, परिस्थिति कैसी भी हो आपको उससे झुकना नहीं है बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है. इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको इमेजिनेशन सूट करेगा और आप उसका यूज़ करके अपने ऑफिस के कार्य में या बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं. अचीवमेंट, तो बहुत सारे तरीके की अचीवमेंट आपको मिल सकती हैं, बस आपको ध्यान देना होगा आपके वर्क के ऊपर. केयरिंग फॉर अदर्स, तो दूसरे लोगों के लिए भी आप बहुत अच्छा सोचेंगे और उसका इंतजाम आप कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कई तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा सकते हैं और आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपके ऑफिस में बहुत काम आ सकता है. फैमिली फोकस्ड, थोड़ा फोकस जो है वो आपको फैमिली की तरफ रहेगा, फैमिली को क्या अच्छा लग सकता है क्या नहीं इसका आप ध्यान देंगे. पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है. लीडरशिप, तो एक अथॉरिटी फिगर आपसे मिल सकती है या आपको अथॉरिटी फिगर आप खुद बन सकते हैं और लीडर बन सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको हो सकता है. स्पिरिचुअलिटी, तो थोड़ा जो आपका ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जाएगा, ये सेकेंड टाइम ऐसा कार्ड आ गया आपको, तो वहाँ पर ध्यान देने की आपको काफ़ी ज़रूरत है. ऑल इज़ नॉट बैड एज यू थिंक इट इज़, प्रैक्टिकल लाइफ चाहे जैसी भी हो आपको ये ध्यान में रखना होगा, हर चीज़ जो आपके साथ होती है
वो हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती। फेट, तो आप फेट के ऊपर बिलीव करेंगे और फेट आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आएगा। तो फाइनल कार्ड है आपका हैप्पी रिलेशनशिप, तो आप अपनी फैमिली में और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। एट है रीडिंग आपके लिए, आई होप दैट रिजोनेंस विद यू, थैंक यू। अब देखते हैं फोर्थ डेक, मैंने कुछ टैरो कार्ड भी यहाँ पे डाले हैं। पहला कार्ड है आपको द चैरियट, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आप महसूस कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। आपको दो चीज़ों को डोमिनेट करना है, दो चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है, या तो वो फैमिली हो सकती है या तो फिर वो वर्क हो सकता है, तो इन दोनों के बीच आपको तालमेल बिठाना होगा। नाइट ऑफ कप्स, तो आप मानो आगे बढ़ रहे हैं और आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। एट ऑफ कप्स रिवर्स आ गया यहाँ पे, तो थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है किसी कार्य के बारे में, तो वो चिंता ना करें और कार्य को सफल बनाने की पूरी कोशिश करें। सिक्स ऑफ सोर्स, तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकता है और थोड़ी मदद भी मिल सकती है, तो दोनों साइड से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनल कार्ड है आपका पेज ऑफ वॉन्ट्स, वो भी रिवर्स है, तो आपको थोड़ी सी चिंता और हो सकती है। जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं उसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, या अचानक से आपसे वो प्रोजेक्ट निकाल लेना वगैरह चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब देखते हैं ओरेकल डेक, फर्स्ट कार्ड है एक्सपर्टीज़, तो जो भी काम आप इस हफ्ते में करने की कोशिश करेंगे उसमें एक्सपर्टीज़ हो जाएंगे। स्टेबल फ्यूचर, तो आपको एक स्टेबल फ्यूचर मिल सकता है जिसमें आप बहुत ही शानदार परिणाम ला सकते हैं, बस आपको वर्कआउट करना है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर और टाइम के ऊपर। इमोशनली मैच्योर, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना है आप छोड़ देंगे और इमोशनली मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगे। बिजनेस, तो बिजनेस माइंडेड आप रहेंगे, और चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप राइवलरी को पसंद नहीं करेंगे और कैसे आप 100% आपका दे सकते हैं उसमें ये कार्य करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स, तो कई सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक कर सकते हैं और उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। डिज़ायरेबल आउटकम, तो जो आउटकम आपको चाहिए इसके बारे में आप पहले सोचेंगे और उसके बाद ही आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए रियलिस्टिक, तो आपका अप्रोच जो है वो पूरी तरह से रियलिस्टिक रहेगा। आप सपनों की दुनिया से दूर जाएंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लौट आएंगे। ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशंस आप थोड़ा फॉलो करेंगे, आपकी फैमिली आपको कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए कह सकती है इस हफ्ते में। मटेरियलिस्टिक, लेकिन आपका व्यू जो है वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक रहेगा और कैसे हर काम सफलतापूर्वक करें इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज ये स्किल आपको आ सकता है और अपने जॉब में या बिजनेस में आप ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर सकते हैं। पॉजिटिव एंडिंग्स, तो जो भी एंडिंग होगी आपके कार्य की वो सफलतापूर्वक ही हो सकती है, आपको बहुत सारी सफलता इसमें मिल सकती है। एंजॉय हॉबीज, तो टेंशन ना ले इसके लिए आपको बहुत सारी हॉबीज करने का मौका मिल सकता है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइडियाज़, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं और ये आइडियाज़ आप अपने कलीग के साथ अथॉरिटी फिगर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर वर्क कर सकते हैं। ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपकी हो सकती है, इसका मतलब है कि ऑफिस में भी आपको बहुत सारी ग्रोथ मिल सकती है, आपका जो पे है वो बढ़ सकता है। चेंजेस मेड फॉर बेटर, तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड चेंजेस विच कुड हैपन फॉर द बेटर ऑफ यू, तो आपके लाइफ बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। टेक चार्ज, तो आप अपने लाइफ के ऊपर लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे, आप फेट से ज़्यादा अपने जो वर्क है उसके ऊपर ध्यान देंगे। एक्शन, तो ये एक्शन का टाइम है, तो आप कृति करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। बिजनेस माइंडेड, तो आप बिजनेस माइंडेड रहेंगे और कैसे आपको और सफलता मिले इसकी कोशिश करते रहेंगे। डिसेप्शन, तो थोड़ी जगह से आपको डिसेप्शन मिल सकता है, फॉर एग्जांपल जो कि आपके जो अभी आपके कलीग्स हो या आपके दोस्त हो आपके पीठ पीछे कुछ बुराई कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना ज़रूरी है। ब्यूटी, तो नेचर में हर जगह ब्यूटी है, इसका आप पता लगाएंगे और खुद भी नेचर में खो जाएंगे। दिस इज़ गोना हेल्प यू टू रिलैक्स। केयरिंग एटीट्यूड, तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो दूसरे लोगों की तरफ केयरिंग होगा और इससे आपको काफ़ी सारी सफलता मिल सकती है। इंस्पिरेशन, तो आप किसी के लिए इंस्पिरेशनल मॉडल हो सकते हैं या आपको किसी से इंस्पिरेशन मिल सकती है। कॉन्फिडेंस, तो आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और आप चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से करने में तैयारी दर्शाएंगे। अथॉरिटी,
आपको एक अथॉरिटी फिगर मिल सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट ना जाए। इनिशिएटिव, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपको मिल सकता है, किसी काम को शुरू करना आप कर सकते हैं। इंट्यूशन फीलिंग्स, तो ज़िंदगी में आपके साथ आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है, ऐसी बहुत सारी इंट्यूशंस आपको आ सकती हैं और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। टॉलरेंस, तो जो एनवायरनमेंट है आपके वर्क प्लेस के यहाँ पे, उसको आप सफलतापूर्वक टॉलरेट करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। जनरस, तो आपका जो बिहेवियर होगा दूसरों की तरफ वो जनरस रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। मैरिज, तो आप में से कई लोगों को कोई मैरिज अटेंड करने की एक चांस मिलेगा, या तो आपके लिए एक कोई रिश्ता आ सकता है। डिटर्मिनेशन, तो ध्येय पूर्ति की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। डेस्टिनी, तो फाइनल आगे डेस्टिनी, डेस्टिनी भी आपकी हार्डवर्क के ऊपर ही डिपेंड है और उसके थ्रू ही आप डेस्टिनी को फॉलो कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड आ गया आपको गुड फैमिली लाइफ, तो चाहे आपको आप कितने भी बिजी हो लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेंगे। ये था रीडिंग आपके लिए, आई होप दैट रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू।